मैं डॉक्टर के वेणु आचार्य शासकीय महाविद्यालय सीपत से आज हम सेमेस्टर 4 एमएससी पेपर 1 यूनिट 3 का चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का नाम है फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन की कार्यकी। आप जानते हैं विद्यार्थियों, श्वसन एक जैविक क्रिया है जिसका खोज लेवोसियर नामक साइंटिस्ट ने 1778 में किया था, जिसका नियंत्रण हाइंड ब्रेन पश्च मस्तिष्क के मेडुला से होता है। और आप जानते हैं कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ही श्वसन है। विद्यार्थियों, आप जब छोटे क्लास में थे तो आप पढ़े थे जो ब्रीदिंग होता है, इनहेलेशन ऑफ श्वसन, श्वास का अंदर लेना और श्वास का बाहर छोड़ना, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को ही, ब्रीदिंग को ही हम श्वसन मानते थे। लेकिन अब आप समझ रहे हैं कि एक्चुअल में रेस्पिरेशन क्या है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण है, जिसके परिणाम स्वरूप एटीपी का निर्माण होता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हमारे शरीर में संचित ऊर्जा के रूप में पाया जाता है। ये प्रक्रिया कैसे होती है? आप जो भी खाना खाते हैं अंततोगत्व वह ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और ये ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये टूटना, ग्लूकोज का टूटना ही ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहलाता है, जिसके परिणाम स्वरूप 6 मॉलिक्यूल वाटर के और 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के बनते हैं। इस प्रक्रिया में 38 एटीपी का निर्माण होता है, जिसे 2880 जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं या संचित कर सकते हैं। इसे हम 673 किलो कैलोरी एनर्जी भी कहते हैं। ये कैलोरी में एनर्जी है, जूल में है, और ये एटीपी में। विद्यार्थियों, आपको पता है ये संपूर्ण प्रक्रिया साइटोप्लाज्म से स्टार्ट होकर माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, कोशिका में विद्यमान माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, जिसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। इसलिए क्योंकि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, आगे चलकर हम इसे देखेंगे। तो इस प्रकार श्वसन कुछ नहीं है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, जिसमें एटीपी का निर्माण होता है। विद्यार्थियों, कुछ परिस्थितियों में जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन नहीं होता, तब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी ग्लूकोज ही टूटता है, लेकिन वह इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। इस प्रक्रिया में बहुत ही कम 2 एटीपी का निर्माण होता है। इस प्रकार ये दोनों प्रक्रिया सतत चलती रहती है। अधिकांश समय में हमारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही श्वसन होता है, जिसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। इसकी जो क्रियाविधि है उसे 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दूसरा पार्ट है गैसियस एक्सचेंज, तीसरा पार्ट है इंटरनल रेस्पिरेशन, और चौथा पार्ट है टिश्यू रेस्पिरेशन। विद्यार्थियों, इस चित्र में आपको संपूर्ण श्वसन की प्रक्रियाओं को समझ सकते हैं। हम यहाँ पे देखेंगे आप कि ये जो कोशिका है यहाँ पे, ये एक्चुअल में एल्वियोलाई है। एल्वियोलाई आप जानते हैं, आगे के चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे कि एल्वियोलाई लंग्स की स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट है, जो डायरेक्ट ब्लड कैपिलरीज से जुड़ी होती है। तो ये वही एल्वियोलाई है। जब लंग्स में ऑक्सीजन आता है और लंग्स से ऑक्सीजन जब बाहर जाता है, तो ये दोनों प्रक्रियाओं को हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं, जिसे हम बाह्य श्वसन भी कहते हैं। तो बाह्य श्वसन क्या है, अगर इसको परिभाषित करना है तो गैसियस एक्सचेंज बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड कैपिलरीज इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो लंग्स के एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच में जो गैसेस का आदान प्रदान होता है, उसे हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या बाह्य श्वसन कहते हैं। विद्यार्थियों, बाह्य श्वसन 2 भागों में बटा होता है, एक है इंस्पिरेशन और दूसरा है एक्सपिरेशन। तो इंस्पिरेशन क्या है, श्वास का अंदर लेना। तो श्वास में बहुत सारे गैसेस आते हैं, लेकिन ऑक्सीजन ही एल्वियोलाई में स्टेबल होता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है उसे एक्सपिरेशन कहते हैं। ये दोनों प्रक्रिया थोरेसिक कैविटी में विद्यमान लंग्स में होता है, और ये लंग्स में जो इंस्पिरेशन होता है वो इस प्रकार होता है। इंस्पिरेशन के दौरान आप देखेंगे डायफ्राम, देख रहे हैं आप, स्ट्रेट हो गया है, और एक्सप्रेशन के दौरान देख रहे हैं कि डायफ्राम कैसा हो गया है, डोम शेप में हो गया है, अर्थात
ऑक्सीजन का अंदर लेने की वजह से लंग्स अपने फुल जाता है और डायफ्राम का पोजीशन स्ट्रेट कर देता है। इसी प्रकार जब एक्सप्रेशन होता है तो ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, लंग्स का आकार छोटा हो जाता है और डायफ्राम इस प्रकार से डोम शेप में कन्वर्ट हो जाता है। इसे हम देख सकते हैं, ये एक चित्र है जिसमें रिब्स है, रिब केज है, इसी के अंदर लंग्स होता है और इसमें जो मसल्स होते हैं इंटरकोस्टल मसल होते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम, इन तीनों से मिलकर ही ब्रीदिंग की संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न होती है जिसे हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। मसल्स को हम इस चित्र में देख सकते हैं, इस चित्र में आप देखेंगे दोनों रिब्स के बीच में जो मसल्स हैं वो इंटरकोस्टल मसल कहलाते हैं और इसमें जैसे मैंने बताया लंग्स डायफ्राम इंटरकोस्टल मसल्स का विशिष्ट रोल है। इसके बाद हम चलते हैं वापस बाह्य श्वसन की प्रक्रियाओं पे जिसे हमने इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन में बांटा था। तो ये प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है जिसको हम विस्तृत रूप से फिर से एक पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन के रूप में इसका अध्ययन करेंगे। दूसरी जो प्रक्रिया है उसे हम गैसियस एक्सचेंज कहते हैं, गैसी आदान प्रदान। विद्यार्थियों यहाँ ध्यान देंगे कि ये जो गोला आकार में बना है ये एल्वियोलाई है, ये ब्लड कैपिलरीज हैं और यहाँ पे हमने टिपिकल सेल लिखा है। टिपिकल सेल मतलब शरीर की प्रत्येक कोशिका को हम सामान्य रूप से टिपिकल कोशिका कहते हैं। तो अब आप देख रहे हैं जो भी इंस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन आया है वो ब्लड कैपिलरीज के साथ एक्सचेंज करके वो प्रवाहित होते होते कहाँ पहुँच जाता है, टिपिकल सेल तक पहुँच जाता है और फिर टिपिकल सेल में जब सेलुलर रेस्पिरेशन या टिश्यू रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का जो निर्माण होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से कहाँ आता है, ब्लड कैपिलरीज में आता है और ब्लड कैपिलरीज के माध्यम से फिर से एल्वियोलाई में आता है और वहां से इसे एक्सपल कर दिया जाता है, बाहर की ओर भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आउट हो गया और ये ऑक्सीजन इन हो गया। तो इन और आउट की जो प्रक्रिया को हमने एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहा और जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है कहाँ तक, टिपिकल सेल तक और फिर कार्बन डाइऑक्साइड का कंडक्शन जो होता है एल्वियोलाई तक उसे हम गैसेस एक्सचेंज कहते हैं। तो अगर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को ए पॉइंट दें तो गैसेस एक्सचेंज बी पॉइंट होगा। अब देखेंगे हम गैसेस एक्सचेंज को दो भागों में बांटा गया है, पहला पार्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और दूसरा पार्ट है कंडक्ट ऑफ CO2। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन का परिवहन, कंडक्ट ऑफ CO2 मतलब CO2 का संग्रहण। तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसा होता है। जैसे मैंने चित्र में बताया एल्वियोलाई से टिपिकल सेल तक जैसे ये पहुँच रहा है तो ये कैसे पहुँचता है, तो ये दो फॉर्म में पहुँचता है। एक को हम कहते हैं, फर्स्ट पॉइंट को हम कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन, HbO2 ऑक्सीहीमोग्लोबिन है, फिर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। तो स्टूडेंट यहाँ समझने वाली बात क्या है, जो ये ऑक्सीजन यहाँ पे एल्वियोलाई में है ब्लड कैपिलरीज के थ्रू एज इट इज ऑक्सीजन नहीं पहुँचता, ये जो ऑक्सीजन है ये हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाता है और ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन ही यहाँ तक टिपिकल सेल तक पहुँच सकता है। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन एक कैरियर के रूप में यहाँ पे एसोसिएट होता है। विद्यार्थियों इसे भी हम एक डिफरेंट चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे, एक डिफरेंट क्वेश्चन के रूप में गैसेस एक्सचेंज को संपूर्ण रूप से पढ़ेंगे। वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि ये ऑक्सीजन एक बार जुड़ता है तो ये अनस्टेबल होता है, ये चार बार हीमोग्लोबिन के चार मोल फोर पॉइंट पे जुड़कर ये आगे बढ़ता है ताकि ये रिजर्व रह सके, स्टेबल रह सके। तो इसका हम फिर से डिटेल स्टडी करेंगे। तो ये जो एल्वियोलाई में हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिलकर ऑक्सीहीमोग्लोबिन बन गया और जब टिपिकल सेल में जाता है तो यही ऑक्सीहीमोग्लोबिन फिर से डिसोसिएट हो जाता है। तो विद्यार्थियों इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, इसका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, इसका वियोजन होने के लिए, डिसोसिएशन होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। तो पर्याप्त ऑक्सीजन रहेगा तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगा, पीएच कम हो जाएगा तो ये डिसोसिएट हो जाता है। तो ये कंडीशंस को हम फिर से एक विस्तृत अध्ययन करेंगे, एक विस्तृत क्वेश्चन के रूप में। इसके बाद आता है कंडक्ट ऑफ CO2, जो सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान, श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है जैसा कि मैंने ऊपर बताया,
ये कार्बन डाइऑक्साइड का समय पर शरीर से बाहर निकलना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के लिए बहुत ही घातक होता है। तो इसे दो रूप में निकालते हैं, एक फिजिकल सॉल्यूशन के रूप में जो शरीर का लगभग 10% कार्बन डाइऑक्साइड एज ए फिजिकल सॉल्यूशन बाहर निकाल दिया जाता है। विद्यार्थियों अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगा कि ये फिजिकल सॉल्यूशन है क्या। तो फिजिकल सॉल्यूशन कुछ नहीं है, जब कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ संयुक्त होता है CO2 के साथ, तो ये कार्बनिक अम्ल का निर्माण करता है। ये क्या है? कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड ही यहाँ पे फिजिकल सॉल्यूशन के रूप में बनता है और लगभग 10% फिजिकल सॉल्यूशन के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। विद्यार्थियों आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि पूरा 90% इस रूप में क्यों नहीं निकाल दिया जाए, क्योंकि ये बहुत सरल प्रक्रिया है। अगर इस रूप में पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे तो ब्लड का pH 4.7.4 से 4.5 होगा, अर्थात एसिडिक हो जाएगा आपका बफर और आपकी डेथ ठीक उसी प्रकार होगा जिस प्रकार मॉमी फिल्म में विलन ने जब कुछ कोई गैस छोड़ता है, एक विशिष्ट प्रकार का गैस उसके हीरो पे छोड़ता है, तो वो क्या होता है, वो पूरी तरह से उसकी हड्डी की ढांचा बच जाती है, पूरी तरह गल जाता है। ठीक इसी प्रकार अगर 4.5 pH हो जाए तो सारा ब्लड वेसल्स डिजॉल्व हो जाएगा, सारा ब्लड वेसल डिसअपीयर हो जाएगा, आपका सिर्फ बोन्स बचेगा। तो इतना खतरनाक है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये एसिडिक होगा, टेम्परेचर बढ़ा देगा। तो इसका सिर्फ 10% ही इस रूप में निकलता है। तो बाकी कैसे निकालें? तो केमिकल सॉल्यूशन के रूप में 90% निकलता है, तो उसमें एक कार्ब अमीनो कंपाउंड अमीनो एसिड इससे जुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़कर कार्ब अमीनो कंपाउंड बनाता है, जिससे 20% वापस ली जाती है। और दूसरा है बाइकार्बोनेट के द्वारा, जिससे मैक्सिमम 70% कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाला जाता है। तो बाइकार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे कुछ सब्सटेंसेस है, जिसमें से सोडियम बाइकार्बोनेट ही मेन कंपोनेंट है, जिससे 70% निकाला जाता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को हैमबर्गर ने समझाया था, हैमबर्गर जिसे इन्होंने क्लोराइड शिफ्ट का नाम दिया था। तो विद्यार्थियों क्लोराइड शिफ्ट भी अपने आप में एक फुल क्वेश्चन है, तो हम आने वाले समय में दूसरा इसके नेक्स्ट लेक्चर रहेगा ब्रीदिंग, उसके बाद वाला लेक्चर गैसेस एक्सचेंज में हम क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर फिनोमेना का अध्ययन करेंगे और ये पूरी तरह से कैसे कंडक्ट होता है इसका हम डिटेल स्टडी करेंगे। विद्यार्थियों इसके बाद की जो प्रक्रिया है उसे हम समझते हैं, उसकी बाद की प्रक्रिया है इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन कुछ नहीं है, ब्लड कैपिलरीज और टिपिकल सेल के बीच में जो गैस का एक्सचेंज होता है उसे इंटरनल रेस्पिरेशन का नाम दिया गया है। 11-12 तक की बुक्स में इंटरनल रेस्पिरेशन को टिश्यू रेस्पिरेशन के साथ मर्ज कर दिया गया है, लेकिन हायर क्लासेस के लिए बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट है कि द गैसेस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड कैपिलरीज एंड टिपिकल सेल इज नोन एज इंटरनल रेस्पिरेशन, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इस कंपोनेंट का फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन का सबसे महत्वपूर्ण भाग आता है, जिसे हम टिश्यू रेस्पिरेशन कहते हैं, इसे हम सेल्युलर रेस्पिरेशन के नाम से भी जानते हैं। चूंकि ये रेस्पिरेशन का सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, कार्यकी का सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और ये प्रत्येक टिपिकल सेल में संपन्न होता है जो ऑक्सीजन को ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, इसलिए यह सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया चार पदों में संपन्न होता है। पहला पद है ग्लाइकोलिसिस, दूसरा पद है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट या पायरुविक एसिड, तीसरा पद है क्रैब साइकिल और चौथा पद है ETS। तो विद्यार्थियों इसको अलग अलग पार्ट में आपने अध्ययन किया है, लेकिन चूंकि हम कार्यकी की बात कर रहे हैं तो कार्यकी के अंतर्गत ये चार पद महत्वपूर्ण रूप से आते हैं। विद्यार्थियों मैं एक बात और यहाँ पे आपको आकर्षित करना चाहूंगा कि आप हो सकता है कि अंडर ग्रेजुएट से पहले आपने इसके तीन ही पद पढ़े हों, ग्लाइकोलिसिस, क्रैब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड को क्रैब साइकिल में मर्ज कर दिया गया हो तो आप इसे हम रेफरेंस के रूप में ही अध्ययन करेंगे, तो आप
आप कोई भी रेफरेंस बुक डॉक्टर ए के बेरी की बुक पढ़ सकते हैं, लहनिंजर की बुक पढ़ सकते हैं, इनमें ये चारों पदों का विस्तृत वर्णन है। हम इन पदों को इस रे चार्ट में देखेंगे जिसे हमने मैकेनिज्म ऑफ टिश्यू रेस्पिरेशन के अंतर्गत हाईलाइट किया है। तो विद्यार्थियों आपको पता है ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज आप जो भी खाना खाते हैं आपका लीवर उसको अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तो ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है C6H12O6 के नाम से, जैसे कि हमने शुरुआत में ही देखा था इंट्रोडक्शन में। तो ग्लूकोज से पाइरुवेट बनने की जो पूरी प्रक्रिया है ये किसी भी सेल के साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है। ये कहाँ हो रही है, साइटोप्लाज्म में। इस प्रक्रिया में 6 कार्बन कंपाउंड 3 कार्बन कंपाउंड के 2 पाइरुवेट बनाते हैं। फिर से बता रहा हूं, एक ग्लूकोज से 2 पाइरुवेट बनते हैं, एक ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड का होता है और पाइरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड का होता है। इस प्रकार 2 पाइरुवेट बनते हैं और इस प्रक्रिया में टोटल गेन एटीपी का 2 एटीपी होता है। विद्यार्थियों मैंने शुरू में बताया कि 38 एटीपी बनते हैं, 673 किलो कैलोरी एनर्जी बनती है। तो यहाँ पे आपको 38 एटीपी शो करना है अगर आप फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन डिस्कस करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। तो इसका दूसरा स्टेप है पाइरुवेट्स कैसे क्रैब्स साइकिल में एंटर करता है या डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पाइरुविक एसिड कैसा होता है, इसका डीकार्बोक्सिलेशन कैसा होगा। विद्यार्थियों ये हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होगा। अगर उस कोशिका में ऑक्सीजन सफिशिएंट मात्रा में है तभी ही एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, अदरवाइज एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, एथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं और 2 एटीपी उत्पन्न होता है। लेकिन यहाँ पे अगर उस वक्त क्रैब साइकिल होना है, एरोबिक रेस्पिरेशन होना है, तो ऑक्सीजन का होना अति आवश्यक है। तो प्रत्येक पाइरुवेट 2 भागों में बढ़ जाता है, एक पाइरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करके एक क्रैब साइकिल चलाता है, दूसरा पाइरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करके दूसरा क्रैब साइकिल चलाता है। विद्यार्थियों क्रैब साइकिल भी एक बड़ा क्वेश्चन है, एक फुल क्वेश्चन है। यहाँ पे हम चूंकि इसकी कार्यकी का अध्ययन कर रहे हैं इसलिए इसके सिर्फ कॉन्सेप्चुअल पार्ट का ही हम हाईलाइट करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इस क्रैब साइकिल से 15 एटीपी और इस क्रैब साइकिल से 15 एटीपी का निर्माण होता है। हैंस क्रैब ने इसका खोज किया था, जिसके लिए 1936 में हैंस क्रैब ने खोज किया था, जिसके लिए इनको नोबेल अवार्ड मिला है, आप जानते हैं विद्यार्थियों। इसके बाद क्रैब साइकिल से जो इलेक्ट्रॉन्स डिस्चार्ज होते हैं, है ना, जो एलिवेट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रन करते हैं और उसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से 3 एटीपी बनता है। यहाँ पे भी 3 एटीपी बनेगा। इस प्रकार अगर आप टोटल एटीपी काउंट करें तो आप देखेंगे ग्लूकोज से पाइरुविक एसिड के बनने के दौरान कितना, 2 एटीपी बना और फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर किया और क्रैब साइकिल रन किया 15 एटीपी, तो 15 × 2 = 17 और 3 एटीपी ईटीएस से और ये हो गया 18 एटीपी, 18 × 15 = 18 19 20 15 35 और 3 38, तो 38 एटीपी का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे डिस्चार्ज हो रहा है। ये कुछ बुक्स में आपको 36 एटीपी भी मिलेगा, वो कंडीशनल है। जब हम एटीपी फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, एटीपी का निर्माण डिस्कस करेंगे, क्रैब साइकिल ईटीएस डिस्कस करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि कुछ विशेष स्थानों पर 36 एटीपी कैसे बनते हैं, 36 एटीपी बनते हैं, यहाँ पे 38 एटीपी कैसे बन रहे हैं। तो इस प्रकार विद्यार्थियों फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे समाप्त होता है। मैं इसे एक बार रिवाइज कराना चाहूंगा कि फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन श्वसन ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन प्रक्रिया जिसे लेवोसियर ने खोज किया था 1778 में, इसमें ऑक्सीजन का ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और ये 4 पदों में संपन्न होता है। पहला है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जिसमें इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एक्सपेल ऑफ CO2 होता है, जिसे हम ब्रीदिंग भी कहते हैं। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन को इंस्पिरेशन, एक्सपेल ऑफ CO2 को एक्सपिरेशन कहते हैं। दूसरा पद है गैसेस एक्सचेंज, है ना, तो गैसेस एक्सचेंज क्या है,
the gases exchange between alveoli to typical cell and typical cell to alveoli is called gases exchange. तो gases exchange दो पदों में संपन्न होता है, transport of oxygen and conduct of CO2. तो transport of oxygen hemoglobin carrier की मदद से होता है और ये hemoglobin alveoli में विद्यमान ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सीहीमोग्लोबिन का निर्माण करता है और वह टिपिकल सेल में जाकर डिसोसिएट हो जाता है, ऑक्सीजन को फ्री कर देता है. और सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान, टिश्यू रेस्पिरेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वो दो फॉर्म में कंडक्ट किया जाता है, एक फिजिकल सोल्यूशन के रूप में 10% और दूसरा है केमिकल सोल्यूशन जिससे 90% होता है. तो ये जो 90% है वो फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड है, कार्बन मोनो कंपाउंड के रूप में 20% और बाइकार्बोनेट के रूप में 70%. तो बाइकार्बोनेट कुछ नहीं है, आप जानते हैं ये एक क्लोराइड शिफ्ट का पार्ट है जिसे हैमबर्गर ने डिस्कस किया था. ये एक फुल क्वेश्चन भी बन सकता है, तो इसे हम फर्दर स्टडी करेंगे जैसे मैंने पहले बताया. फिर इंटरनल रेस्पिरेशन क्या है, द गैसेज एक्सचेंज बिटवीन एल्वियोलाई सॉरी गैसेज एक्सचेंज बिटवीन ब्लड कैपिलरीज एंड टिपिकल सेल इज नोन एज इंटरनल रेस्पिरेशन. तो ब्लड कैपिलरीज और टिपिकल सेल के बीच में जो गैसेस का आदान प्रदान होता है उसे हम आंतरिक श्वसन या इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं. इसके बाद इसका चतुर्थ पद है, अगर आप इसे सी की संज्ञा दे दें तो डी होगा आपका टिश्यू रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन. सेलुलर रेस्पिरेशन में चार पद आते हैं, ग्लाइकोलिसिस ये साइटोप्लाज्म में संपन्न होता है, ग्लूकोज से दो पायरुविक एसिड बनते हैं और दो एटीपी बनते हैं. फिर डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड, वो जो पायरुविक एसिड है वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल निकलता है और एक एनएडीपी बनता है जिसके परिणाम स्वरूप यह जो है पायरुवेट या पायरुविक एसिड क्रैब साइकिल में एंटर करता है. दो पायरुवेट होते हैं इसलिए दोनों दो जगह क्रैब साइकिल रन करते हैं और 30 एटीपी बनाते हैं. उसके बाद प्रत्येक क्रैब साइकिल से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रन करते हैं, 3-3-6 एटीपी बनाते हैं. इस प्रकार 2, 30 और 6 तो 38 एटीपी का टोटल निर्माण होता है. इस प्रकार फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन यहाँ समाप्त होता है विद्यार्थियों. थैंक यू वेरी मच.